Guys, I'm super duper excited because when I ordered the 2021 MacBook Pro M1 Max highest configuration, we're ready for pickup. Let's go pick it up. Okay, in the meanwhile, अपने पुराने वाले MacBook Pro के ऊपर भी मैंने नया Monterey operating system लगा दिया है update होने के लिए. जब तक वापस आएंगे ये भी हो जाएगा, फिर दोनों को compare कर सकेंगे. जबरदस्त कलर्स आ गए हैं यार, जिधर देखो अमेजिंग कलर्स आ गए हैं. ऑलराइट, वी आर हियर. अब क्या है कि क्योंकि आजकल हर कोई घर से काम कर रहा है, दोपहर को भी मॉल आ जाओ, पार्किंग भरी होती है, मिलती बहुत मुश्किल से है. वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू कि जो पिक्सल 6 प्रो मैंने ऑर्डर किया था वो शिप हो चुका है, कल एक दो दिन में आ जाएगा. अभी UPS से शिप हुआ है, उनकी डिलीवरी अपडेट हुई नहीं है. सो जैसे ही आएगा मैं उसका अनबॉक्सिंग, फर्स्ट इम्प्रेशन और उसका कंपेरिजन iPhone 13 प्रो मैक्स के साथ. देखो मैं एक हूँ व्लॉगर एंड अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सो ये जो टेक्नोलॉजी की चीज़ें होती हैं मुझे बड़ा एक्साइट करती हैं. सो मैं बहुत इंटरेस्टेड रहता हूँ ये नई टेक्नोलॉजी की चीज़ें ट्राई करने में, और फिर यू नो अपग्रेड, कंटिन्यूसली अपग्रेड चलना चाहिए. ओके, लेट्स गेट दी मैकबुक प्रो 2021. ऑल राइट, इन एंड आउट 30 seconds. Guys, you won't believe what I got. I got a new Huh? No, I got a new MacBook. New MacBook Pro. सबसे ज्यादा ना बच्चों की एक्साइटमेंट देखने वाली होती है जब नया कोई डिवाइस आता है. तो नहीं, नया कलर नहीं है, दो ही हैं, वो एक सिल्वर और एक वो स्पेस ग्रे डार्क वाला जो कलर है. और ऑनेस्टली मुझे पता ही नहीं कलर है कौन सा. ऑनेस्टली मैंने देखा, अवेलेबल दिखा रहा है, मैंने जाके ले आया. बच्चों की एक्साइटमेंट सबसे ज्यादा होती है देखने वाली. ओए होए होए होए, हैवी स्पेस ग्रे, स्पेस ग्रे, नॉट द सिल्वर वन. लेट मी सी, या इट्स वेरी हैवी. पहली बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने इसका वो बढ़ा दिया है वेट. और दिस लुक्स नाइस राइट. हाँ, थिक भी है, मोटा भी है, भारी भी है. एंड यू नो द गुड थिंग, इसके अंदर जो नया चार्जर है ना वो मैग्नेटिक वाला जो पहले इनका आया करता था मैग सेफ, वो वाला चार्जर है. द अदर गुड थिंग इज कि इसकी जो केबल है ये केबल वो है ब्रेड, नहीं नहीं ये ब्रेडेड केबल है, रबर वाली केबल नहीं है. रबर वाली केबल हमेशा टूट जाती है, याद है, थोड़े दिन में वो टूट. या इट वोंट ब्रेक. देयर आर स्टिकर्स. There's black stickers this time. Yeah, like you know all of them are white because you know the real symbol is black. Black. I want one. I want one. Okay, you can take both. दिखने में पुराना सा लग रहा है क्योंकि इतना मोटा. वो खोलें पहली बारी. Ooh. खोलते ही स्टार्ट हो गया. आजा भाई निकल जा. क्या चीज? हाँ वो हटा दिया ना, टच बार हटा दिया यहाँ से. हटा दिया, अभी तो आया था टच बार. नहीं, 3-4 साल से था ना, टच बार हटा दिया. अब क्या है इसके अंदर, इंग्लिश. हे सिरी प्ले सम म्यूजिक. ऑलराइट गाइस, एग्जैक्टली 8 घंटे हो चुके हैं नया लैपटॉप लेके आए हुए और पूरा एक्सपर्ट बन गया मैं 8 घंटे में. नहीं, जस्ट जोकिंग. सो दिस, इस वीडियो में मैं आपको अपना अर्ली इम्प्रेशन बताता हूँ इस लैपटॉप के बारे में, और खासकर इस बारे में डिस्कस करेंगे कि ये मैंने क्यों लिया. से हर बंदे का अपना रीज़न होता है लेने का, कोई स्पीड की वजह से लेता है, कोई डिस्प्ले की वजह से लेता है. मैं अपनी बात कर सकता हूँ. सी, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और उसके साथ में कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूब पे मैं व्लॉगिंग करता हूँ. सो उस एंगल से मैं बात करूँगा कि ये मशीन मेरे लिए
किस तरह से मेरे को फायदा पहुंचा सकती है। दिन में लगभग 15 से 18 घंटे मैं कंप्यूटर पे होता हूँ और उसमें जो काफ़ी टाइम जाता है, खासकर तब जब मैं वीडियोस बना रहा होता हूँ एक्सपोर्ट करने में और एडिट करने में। सो, अगर कोई एक ऐसा लैपटॉप जो मेरे वर्क फ्लो को स्पीड अप कर सके, मेरा आधा घंटा, एक घंटा कुछ भी बच जाए मेरी वीडियो एडिटिंग वर्क फ्लो में, तो मैं पैसे खर्च करने के लिए तैयार हूँ। एंड दैट इज व्हाट इज द मेन रीजन जिसकी वजह से मैंने ये नए वाला लैपटॉप लिया है। द एग्जिस्टिंग वन दैट आई हैव इज आल्सो वेरी गुड। ये 2019 मॉडल है, कोर i9 2.4 GHz। दिस हैज 32 गिग ऑफ रैम, 2 टेराबाइट ऑफ हार्ड डिस्क। जो नया मैंने लिया, दिस हैज 64 GB रैम एंड 4 टेराबाइट हार्ड डिस्क, और इसके अंदर है M1 मैक्स CPU, विच इज 10 कोर CPU एंड 32 कोर GPU। दैट्स अ लॉट। और जो मेन इसका फायदा है, दैट इज इन द स्पीड। और स्पीड खासकर अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो और वीडियोस बनाते हो, तो वीडियो की एडिटिंग में और एक्सपोर्ट में। अभी मैंने सेम प्रोजेक्ट, फाइनल कट प्रो का प्रोजेक्ट, नए वाले में और पुराने वाले में, दोनों में कॉपी किया है। लेट्स सी कि इसमें कितना टाइम लगता है। सो 10 मिनट की है 4K वीडियो दोनों में, एंड दिस विल बी एन HDR वीडियो आउटपुट। सो लेट्स फाइंड आउट कि इसमें कितना टाइम लगता है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि सेम प्रोजेक्ट को अगर मैं दोनों में करता हूँ एक्सपोर्ट, तो कितना टाइम लगता है। अभी वीडियो एक्सपोर्ट करने के बाद जो 2019 वाला मॉडल है, इसका फ़ैन इतना फुल ब्लास्ट चल रहा है, ऑलरेडी फील्स हॉट। इसमें कोई फैन चल नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है। नो साउंड कमिंग, कैन यू हियर? कितना ज़बरदस्त फुल फ्लेच फैन चल रहा है इसका। एंड बोथ आर ऑन बैटरी, पावर दोनों में यूज नहीं हो रही। स्पेशली जो नए वाले के साथ बेटर चीज़ है कि बैटरी के ऊपर भी आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। तो पुराने वाले में क्या था कि अगर आप बैटरी पे यूज़ कर रहे हो तो परफॉर्मेंस काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। स्पीड तो ऑब्वियसली इसमें बहुत ज़्यादा है क्योंकि 10 कोर CPU, 32 कोर GPU वगैरह सब है। बट एक और जो मेजर चेंज किया है एप्पल ने नए वाले के अंदर, दैट इज़ दी मिनी LED स्क्रीन, जिसकी वजह से जो इसकी स्क्रीन है थोड़ी मोटी भी है। पुराने वाले में LED स्क्रीन थी। दिस इज़ दी रेटिना एंड दिस इज़ दी लिक्विड रेटिना XDR डिस्प्ले, जो कि एक प्रोफेशनल लेवल का, प्रोफेशनल ग्रेड लेवल की कलर एक्यूरेसी आपको प्रोवाइड करता है, विच इज़ वेरी हाई कॉन्ट्रास्ट, वेरी हाई डायनेमिक रेंज। ये मैंने अपनी वीडियो लगाई है, ये पुराने वाला 2019, नए वाला 2021। ये देखो दोनों जो कलर्स हैं, ये दोनों दे आर सपोज टू बी द सेम कलर्स। ये कितना डीप ब्लैक है और ये पूरा ग्रे नज़र आ रहा है, कितना फ़र्क है इन दोनों कलर्स में। लेट स्टार्ट द वीडियो। अभी मैंने नए वाले कैमरा, नए वाले लैपटॉप का स्पीकर्स ऑन किए हैं। जो इसके स्पीकर्स हैं, द स्पीकर्स आर आल्सो सपोज टू बी रियली गुड। पहले इसके स्पीकर सुनते हैं, फिर बाद में इसके स्पीकर्स में सुनेंगे। What's up guys? Welcome back to another video. मैं हूँ रवीश, हम लोग हैं इस टाइम आइसलैंड पे, ये हमारी है मोटर होम और हम लोग निकले हैं आइसलैंड की रिंग रोड पे रोड ट्रिप करने के लिए। अगर आप कलर्स देखोगे ना, मेरी जो स्किन है ये कितना रेड रेड सा कलर दिख रहा है, इट्स नॉट नेचुरल। यहाँ पे ज़्यादा नेचुरल कलर दिख रहा है। सो ये जो नई मिनी LED स्क्रीन है, this is supposed to have more accurate colors. So ये ज़्यादा accurate color representation है। यहाँ पूरा red ऐसे चेहरा नज़र आ रहा है, because जो पुरानी LED screen है उसके color इतने accurate नहीं होते। और अब जो है इसकी volume full करते हैं और इस वाले की volume को बंद करते हैं। नए वाले की volume बंद कर दी है, now the volume should come from the old one. Alright, हम लोग अपनी अगली attraction पे जा रहे थे। So कल जो हमारा एक bag गाड़ी में से निकल के गिर गया था, उसमें
चीकू की रेन पैंट्स थी, मेरे ग्लव्स थे। तो यहाँ पे एक शॉप दिख रही है, लग रहा है ऐसा कि स्पोर्ट्स का सामान है यहाँ पे। जो नए वाले में कलर्स हैं मच बेटर देन द ओल्ड वंस, और जो साउंड है दैट इज ऑल्सो मच बेटर। आई डोंट नो इस छोटी सी जगह पे लगाने के लिए इनको जगह कहाँ मिलती है इतने अच्छे क्वालिटी के स्पीकर्स लगाने के लिए। इसके जो 2019 है इसके स्पीकर्स भी अच्छे हैं, बट दिस 2021 इज इवन बेटर। ओके, जो अगला मेरे को पर्सनल एडवांटेज लगता है वो है बैटरी लाइफ का। अब दोनों के अंदर सेम कैपेसिटी है बैटरी लाइफ की, बट जो नया वाला है बिकॉज इसके अंदर एप्पल का अपना सिलिकॉन है, दिस हैज मच बेटर एफिशिएंसी, जो कि बैटरी को यू नो बैटरी लाइफ के लिए मच बेटर है। सो मैंने भी क्या किया, दोनों को 100% तक चार्ज किया और दोनों सेम ही काम कर रहे हैं। इसके ऊपर भी मैंने सेम एक्सपोर्ट लगाया, इसके ऊपर भी मैंने सेम एक्सपोर्ट लगाया। करने के बाद में दिस इज राइट नाउ एट 92-93% एंड दिस इज एट 84-85% which means कि यू कैन एक्सपेक्ट अ मच लॉन्गर बैटरी लाइफ। और इवन ऑन द बैटरी लाइफ, अभी दोनों बैटरी के ऊपर है, बट यू विल सी कि ये वाला जो डिस्प्ले है दिस इज मच ब्राइटर। मैंने दोनों को चार्जिंग पे भी लगाया और दोनों को मैंने बैटरी पे भी करके देखा, जो नए वाला इसका डिस्प्ले इज मच ब्राइटर देन द प्रीवियस मॉडल। बैटरी से रिलेटेड अगला जो एडवांटेज है दैट इज इसके अंदर बैटरी क्विक चार्ज है, 140 वॉट का चार्जर ये साथ में दे रहे हैं। और जो नया इन्होंने मैग सेफ चार्जर निकाला है उसके थ्रू आप इसको 30 मिनट के अंदर 50% चार्ज कर सकते हो। सो अगर आपकी बैटरी जल्दी चार्ज हो जाती है, सपोज आपने जल्दी में भागना है कहीं पे और आपको थोड़ा सा यू आर एट द एयरपोर्ट, आपको थोड़ी देर मिली थी चार्ज करने के लिए, एंड देन यू गेट इनफ चार्ज कि आपका आगे एडिटिंग करनी है, आप काम कर रहे हो ऑफिस का, आप जल्दी कर सकते हो। द अदर एडवांटेज आई थिंक पर्सनली मेरे को जो लगता है कि इसके अंदर अब एस डी कार्ड इन्होंने इंक्लूड कर दिया है। देखिए एप्पल एक ऐसी कंपनी है जो इस चीज़ के लिए फेमस है कि वो पोर्ट्स निकालते रहते हैं, बट पहली बार ऐसा हुआ है कि जो उन्होंने पोर्ट्स और डाली हैं, एस डी कार्ड डाला है और एच डी एम आई पोर्ट उन्होंने डाली है। द रीज़न इज़ कि जो प्रो यूज़र्स हैं, जो सारा दिन अपना डिवाइस यूज़ करते हैं, फुल उसका जूस निकालते हैं, ऐसे जो यूज़र्स हैं वो यूज़र्स कंप्लेन करनी उन्होंने शुरू कर दी थी। अब पैसा चार्ज कर रहा है एप्पल प्रो डिवाइसेस का, बट उसके अंदर फीचर नहीं दे रहा, तो फिर आपको वो डोंगल्स ले लेके घूमते रहो हर चीज़ के लिए, विच इज़ नॉट फीजिबल। कई बार आपको उठानी याद नहीं रहती है, बट इट्स जस्ट अ लॉट ऑफ हैसल इतनी सारी डोंगल्स। तो एटलीस्ट एक चीज़ उन्होंने सुधार दिया कि एसडी कार्ड, जो पर्सनली मेरे को बहुत यूज़ होता है, रो ऑलमोस्ट एवरी डे का यूज़ है एसडी कार्ड का, सो जो वो अब डायरेक्ट लैपटॉप में लग जाएगा, सो विच इज़ वेरी गुड। पुराने वाले में इंटेल चिप थी, इंटेल i9, नए वाले में M1X चिप है। आई थिंक उसका एक और बेनिफिट ये है कि M1 चिप कंपैटिबल है आपकी iPad और iPhone की ऐप्स के साथ। सो अगर आप मैक के ऐप स्टोर में जाओ, वहाँ कोई ऐप सर्च करो, वहाँ पे एक टैब आता है iPhone एंड iPad ऐप्स, वो भी जो आपको दिख रही हैं वो आप सीधे सीधे अपने मैक में डाल सकते हो। सो बहुत सारी ऐसी ऐप होती हैं जो टच के लिए बनाई होती हैं, स्पेसिफिक iPad या iPhone में होती हैं, वो मैक में अवेलेबल नहीं होती, बट अब ये बेनिफिट हो गया क्या वो ऐप्स भी इसके अंदर डाल सकते हो। तो अब इस वीडियो को मैं एडिट करने वाला हूँ, दैट विल बी द फर्स्ट वीडियो विच विल बी एडिटेड ऑन द न्यू मैकबुक प्रो 2021। एंड कैमरा में से एसडी कार्ड निकाल के डायरेक्टली मैकबुक प्रो के अंदर एसडी कार्ड रीडर से डेटा कॉपी होगा विदाउट एनी डोंगल्स। और गैस ये था एक क्विक फर्स्ट इम्प्रेशंस। हमने स्पीड देखी वो जो कि बेटर है, वीडियो क्वालिटी बेटर है, स्पीकर्स बेटर हैं, बैटरी लाइफ मच बेटर है। अगर आप चाहोगे तो मैं इसका एक दो वीक यूज़ करने के बाद में थोड़ा वो डिटेल रिव्यू भी कर सकता हूँ। सो कमेंट में मुझे लिख देना अगर देयर इनफ पीपल इंटरेस्टेड, तो मैं उसके लिए ज़रूर बनाऊँगा। एंड येस डू सब्सक्राइब, पिक्सल कल आ जाएगा मोस्ट लाइकली, कल या परसों। तो फिर जो पिक्सल 6 प्रो है उसको कंपेयर करेंगे एप्पल आईफोन 13 प्रो मैक्स के साथ। ये भाई से स्पेशल मांग के लेकर आया हूँ रिव्यू करने के लिए, क्योंकि मुझे लगा कल आ जाएगा, सो आई जस्ट गॉट दिस। सो वो भी करेंगे गाइस। इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए। आई नो आपका एक और क्वेश्चन होगा कि ये जो पुराने वाला लैपटॉप है 2019, इसका क्या होने वाला है। वेल ये वाला यूज्ड मैं बेच दूंगा एंड दिस विल गो ऑन desified.org। एंड मेक श्योर आप अपना अकाउंट बना लो अगर आपने अभी तक नहीं बनाया desified गाइस, वो मेरी खुद की वेबसाइट है। एंड आई विल सी यू ऑन desified.org विद दिस लिस्टिंग।